व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों का स्वागत है, लेकिन लास्ट टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया लास्ट वीक, तो सॉरी, बट कुछ चीज़ें हैं जो चल रही है लाइफ में, मैं आगे जाके उसके बारे में बात करूँगा। बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो है एक्सपेक्टेशन रियलिटी। क्या एक्सपेक्टेशन, क्या रियलिटी? स्वीडन आके मेरे को 3 साल हो गए। जब मैं स्वीडन आने वाला था, मुझे इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिले थे स्वीडन के रिलेटेड, तो मैंने एक चैनल अपना खोला था। तो अभी 3 साल हो गए, बहुत सारे लोग स्वीडन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आज शेयर करने वाला हूँ कि जब मैं आया था, मेरे क्या एक्सपेक्टेशन थे स्वीडन को लेके, हमारे क्या एक्सपेक्टेशन थे और क्या रियलिटी है, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। बात है 2018 दिसंबर की, मैं गया था बैंगलोर, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको तब उस टाइम पे कंपनी थी वहाँ से, उसको ऑनसाइट का अपॉर्चुनिटी मिला था नॉर्वे का। तो उसने बोला कि यार नॉर्वे तो मैं नहीं जाने वाला यार, वहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, मैं नहीं जाऊँगा। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि यार नॉर्थ में ना ऐसे होता होगा कि 6 महीने पूरा दिन 6 महीने पूरी रात, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट दिन रहता है, अभी जैसे 9:30 बज रहे हैं और दिन है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 6 महीने ऐसे मौसम रहेगा, आपको नॉर्मल टाइम भी देखने को मिल जाएगा, जबकि 7-8 बजे सनसेट हो रहा है और 6-7 बजे सनराइज़ हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है वेदर को लेके कि ये पूरा 6 महीना अंधेरा रहेगा, ऐसा नहीं है। विंटर में थोड़ा डार्क रहता है, ऑब्वियसली डार्क रहता है, लेकिन इतना नहीं है कि लोग उसको एग्जैजरेट करके ये बोल रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर वो आ जाता ऑन साइट तो शायद उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तब मिलता, बट वो आया नहीं। खैर, अगर आपको मिल रहा है तो आप आइए। तो जैसे टाइम की मैं बात कर रहा था, अभी ये देख रहे हैं, हाँ, तो अभी बज रहे हैं रात के 10, हम लोग डिनर करके वॉक पे जा रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ऑन साइट जब मैं आऊँगा या फिर बाहर जब जॉब करने आऊँगा तो बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, मेरे को ऐसे दिमाग में था, क्योंकि US वगैरह लोग जब जाते हैं तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स वगैरह हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिंगल अर्निंग हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा सेविंग नहीं होगा। ऑफकोर्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, अगर आप सिंगल हो, बैचलर हो, तो बहुत ही अच्छी लाइफ आप लीड कर सकते हो। आप अगर 2 जन वर्किंग हो, आपकी फैमिली हो, तब भी अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। बट हाँ, जब आप अकेले अर्न कर रहे हो और आपकी फैमिली हो, तब थोड़ा सा आपको ना सेविंग्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये एक चीज़ था कि मैं तो जाके अब पैसों के ऊपर पैसे छापूंगा ऐसे नोट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बैड जोक। जब मैं यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था आने से पहले, तब मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैंने जो देखा था कि यहाँ पे लोग इतना इंग्लिश बोलते नहीं हैं, ऑल्दो उनको इंग्लिश आती होगी या नहीं आती होगी मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश बोलना प्रिफर नहीं करते, जैसे जर्मन, फ्रेंच हो गए, या फिर बहुत जो भी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है। लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है स्वीडन में सब लोगों को, ऑलमोस्ट सब लोगों को इंग्लिश बोलना आता है। ऑल्दो वो लोग पहले आपसे जब बात करते हैं तो वो लोग स्वीडिश ही बोलते हैं, लेकिन आप अगर इंग्लिश में बात करते हो तो आप, दे आर वेरी काइंड हम्बल, तो वो इंग्लिश में ही आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो एक चीज़ है कि लैंग्वेज का जो एक मेरा एक परसेप्शन था वो आके यहाँ पर चेंज हुआ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ में मीट या नॉनवेज ज़्यादा चलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग अ वेजिटेरियन मैं आराम से इतने टाइम से सर्वाइव कर सकती हूँ, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इवन वीगन ऑप्शंस हैं, बिकॉज यूरोप में बहुत सारे लोग वीगन होते हैं, तो हर रेस्टोरेंट, हर कैफ़े में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और सुपरमार्केट्स में भी सारे वेजिटेबल्स, इवन पनीर और सोया, सब कुछ मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीइंग अ वेजिटेरियन यू कैन नॉट सर्वाइव इन यूरोप और इन स्वीडन। सो ये एक्सपेक्टेशन गलत है, द रियलिटी इज़ दैट आप आराम से सस्टेन कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छे वेजिटेबल्स रहते हैं, आपको साफ नहीं करने पड़ते, बहुत क्लीन और अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स मिलते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो पांचवी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है, ये जितने भी सारे लोग इंडिया से काम कर रहे हैं, जो लोग फ्रेशर है या फिर
थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो समझ पाएंगे. जब हम लोग इंडिया में काम करते थे, ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, जैसे यूएस में कोई क्लाइंट है या फिर यूरोप में कोई क्लाइंट है. जब मैं पहले काम करता था तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता था कि क्योंकि मुझे अपने बॉस से या फिर मैनेजर से या फिर जो भी आपका लीडर है उससे ये कन्वे किया जाता था उनसे कि यार तुम काम नहीं कर रहे हो, एस्केलेशन होगा अभी, क्लाइंट पूरा मतलब मार डालेगी मेरे को, तुम जल्दी जल्दी करो, रात के 8-9 बजे तो बैठ के करके ही जाओ, तुम बिना करके तुम जा ही नहीं सकते, ऐसा वाला मतलब माहौल वहाँ पे था. तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे आके ना लगने वाली है, क्योंकि क्लाइंट तो यार दुश्मन है, क्लाइंट तो हमें मार डालेंगे अगर काम नहीं करोगे, ये एक्सपेक्टेशन था मेरा. जब मैं यहाँ पे आके क्लाइंट साइड में काम करा, इन लोगों के साथ काम करा, देन आई रियलाइज्ड कि यार ये हवा हवा बना के रखते. ऑफकोर्स यार तुम अगर काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बोलेंगे कर लो, या फिर तो पैसा मिल रहा है तो काम तो तुम करोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा मतलब तुम्हारे सर के ऊपर बैठ के मतलब काम हासिल करेंगे या करवाएंगे, ऐसा नहीं है, ये सब हवा है यार, सच बता रहा हूँ. पता नहीं मुझे यूएस क्लाइंट के बारे में, मतलब अगर कोई स्वीडिश क्लाइंट के साथ आप काम करो तो पता नहीं, कोई मैनेजर देख रहा है तो बोल रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं सब, बट रियलिटी तो ये है, अपना काम अगर ठीक से करोगे, तुम अगर ठीक से कर रहे हो, आपको जो टास्क दिया जा रहा है ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं. वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस जब आप यहाँ पे आके काम करोगे. और एक जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रेसिज्म के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या फिर बहुत सारे लोगों को लगता होगा, पता नहीं लगता होगा कि नहीं लगता होगा, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग ब्राउन स्किन हैं, तो ये लोग वाइट स्किन है, तो हम लोग हमेशा इनसे नीचे रहेंगे, इनके लिए काम करेंगे, और ये लोग ना हमारे साथ कभी घुल मिल पाएंगे नहीं, हम लोग को अपने इंडियन कम्युनिटी ही बनाना पड़ेगा, मतलब वो लोग वेलकमिंग नहीं होंगे, हमको हमेशा नीचे देखेंगे. लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्वीडिश फ्रेंड्स हैं अभी, एंड दे आर क्वाइट ओपन, और वो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल और बहुत काइंड नेचर के होते हैं. ऑब्वियसली वो लोग आपसे इतना फ्रेंडली होके बात नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन आप अगर आप उनके साथ दोस्ती कर लो या फिर अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन जाए, देन दे आर वेरी, दे बिकम वेरी क्लोज. तो वो चीज़ तो मैंने नोटिस करी है. तो अगर आप कहीं इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे काम करने के लिए, तो कभी भी अपने आप को ऐसे मत समझा कि हम हमेशा इनसे नीचे रहेंगे, ठीक है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाई. हम लोग इतना ज़्यादा मेहनती है, हम लोग इतना ज़्यादा सब कुछ काम अच्छे से करते हैं, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, समझ रहे हो. तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना. अगर आपको कोई मैनेजर बोल रहा है यार क्लाइंट आ रहा है तुम ये क्या पहन के आए हो, बोल रहे हैं फोर्सफुली बोल रहे हो, क्लाइंट के सामने तो फॉर्मल पहनना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा वो चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऊपर है हम नीचे, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऐसा था, यहाँ पे आके ये बदल गया. ऑफकोर्स ये चीज़ तो है कि यहाँ पे कुछ लोग ख़राब होते हैं, हर जगह कोई ना कोई ख़राब तो होता ही है. जैसे मैं अपना जो ज़ारा वाला सीन हुआ था मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा, वो उड़िया में था, एनीवेज सबटाइटल देख लेना. तो सबको ही तो वेलकमिंग नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियली नाइस. तो अभी जैसे आपको पता होगा कि सिंजे अभी जी को गोली मार के मार दिया गया है, हाँ, तो बहुत ही बुरा हुआ है. तो मैं अभी एक वीडियो देख रहा था स्वीडन के बारे में कि स्वीडन में तो पिछले कुछ सालों से गन कल्चर जो है जो बढ़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप देख सकते हो. बट ऐसा नहीं कि बहुत अनसेफ है, कुछ मोस्टली ये गैंग रिलेटेड चीज़ें होती है. बट हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों से ना दूर जितना रहो, यहाँ पे हो या फिर कहीं पे भी हो, अननेसेसरी किसी के साथ पंगा लेके भले ही आप काबिल हो, किसी को मार डालेंगे नहीं, लेकिन आपके पीछे आपको देखो कौन है, आपकी वाइफ है, मम्मी पापा है, तो कोई आपको से कुछ बोल रहा है यहाँ पे या फिर कहीं पे भी, इग्नोर देम एंड जस्ट गो. मेरे को तो ऐसा ही लगता है, और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वही करो. और बाकी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि शिश्ता कैसी जगह है, सब लोग मुझे बोलते हैं कि ख़राब जगह है, अनसेफ है. यार देखो, मैं काफ़ी टाइम वहाँ पे रहा हूँ, एक साल हम लोग वहाँ पे रह चुके हैं, तो अभी तक हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं हुई थी. मतलब अंटिल अनलेस आप किसी प्रॉब्लम में खुद जाके फंसोगे, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट अपने काम से मतलब रखोगे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. हाँ, लेकिन एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था. हम लोग 2:30 बजे रात को सोलना से शिश्ता आ रहे थे, तो हाँ, नेहल की मतलब हवा टाइट हो गई थी. तो क्या हुआ था, हम लोग शिश्ता में जब एंट्री कर रहे थे, वो शिश्ता गैलरिया में, तो वहाँ पे एक होमलेस लोग बहुत रहते हैं, वहाँ पे एक औरत थी, उसको हमने बाद में भी देखा था.
तो वो वहां पे खड़ी होके चिल्ला रही थी, तो नेहल पूरा चलो चलो भाग जाओ। तो वो हुआ था मेरे, हमारे डराना था, लेकिन हमने उसने हमको कुछ करा नहीं। एक बार हमने फिर से देखा था वही सेम महिला को दिन के, दिन के टाइम, लेकिन हम जब जा चले गए थे कुछ कुछ तो हमें बोल रही थी, तो वो दो चीज बोलती रहे, आई थिंक वो तो ऐसे लोग तो बोलते रहते हैं जस्ट इग्नोर देम एंड गो। लेकिन गलती तो यार हमारी थी, रात को 2 बजे 2:30 बजे थोड़ी कोई ऐसे वो तो तुम तो इतनी रात को कहीं पर भी जाओगे तो ऐसे अजीबोगरीब लोग मिलेंगे। लेकिन नहीं, स्वीडन में मैं गोथेनबर्ग में जहाँ रहता था वहाँ पे मैं 4 बजे 3 बजे मैं सुबह के 4:30 और मैं चल चल के घर जा रहा हूँ, क्योंकि जो बस की सर्विस होती है वो शायद 3 बजे के बाद बंद हो जाती है, फिर 5:30 बजे स्टार्ट होती है। 5 बजे 2 बजे हर टाइम पे मैं वापस आया हूँ घर, कभी कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे तो काफ़ी सेफ एरिया था वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल में तो सब्सक्राइबर ही नहीं मिल रहे। एनीवेज कर लेना और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, के लिए बाय। और एक चीज मुझे, मैंने जो नोटिस की है यहाँ पे आके मुझे बहुत खराब लगती है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है यहाँ पे। मैं जब ऐसे रोड पे चल रहा हूँ या फिर कहीं पे भी चल रहा हूँ, इट्स नॉट मतलब मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है या फिर जो भी, जब भी मैं इंडियन से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि वो लोग देख के स्माइल नहीं करते या फिर ग्रीट नहीं करते, सीधा मुंह करके चले जाते हैं ऐसे कि मेरे को देख नहीं रहे या फिर एक दूसरे को नहीं देख रहे। क्यों ऐसे क्यों होता है? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, यहाँ पे अगर जब आएंगे इंडियन के साथ मिलेंगे यार, इतने कम इंडियंस होंगे, सब मिलके रहेंगे, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत चुभती है कि इंडियन हो के इंडियन को ग्रीट नहीं कर रहे हो। गलत बात है भाई, करा करो। और ऐसा तो है नहीं कि ये सब करने से आप स्वीडिश बन जाओगे।